हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक लेके आया हूँ। हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। काफ़ी बच्चे जो एग्जाम की तैयारी करते हैं वो क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन निकालना शुरू कर देते हैं। उनको बेसिक उस टॉपिक का पता होता नहीं है, जिसके कारण उनको वो टॉपिक समझ में नहीं आता। तो कोई भी टॉपिक का अगर आप क्वेश्चन निकाल रहे हो तो उसका बेसिक आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक यानी कि आधार। चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले अनुपात की। देखिए, अनुपात और समानुपात तो अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन बिना अनुपात के समानुपात संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों को एक कंबाइंड टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। तो अनुपात, देखिए अनुपात क्या होता है। अनुपात का चिन्ह तो आपको पता ही होगा, यानी रेशियो का चिन्ह क्या होता है, ये होता है दो बिंदु होते हैं। अगर आप अक्ष और वाई के बीच में रेशियो दर्शाना चाहते हो तो अक्ष रेशियो वाई इस तरह से आप दर्शा सकते हो। अक्ष रेशियो वाई का मतलब दोस्तों वही है जो अक्ष बट्टे वाई का मतलब है, और अक्ष बट्टे वाई का मतलब क्या होता है, अक्ष भाग वाई, और अक्ष भाग वाई का मतलब क्या है, अक्ष इंटू वन अपॉन वाई। अब देखिए दोस्तों, जब ये तीन चीज पहले से थी तो फिर इस रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चारों तो बराबर है। आपको पता है इसका मतलब क्या है, अक्ष को हमने वन अपॉन वाई से मल्टीप्लाई किया है, और यहां पर अक्ष में वाई का भाग दे रहे हैं, और यहां पर अक्ष बट्टे वाई ये एक भिन्न है। क्या है, भिन्न, फ्रैक्शन। इन चारों का अलग अलग मतलब होता है दोस्तों, अपनी जगह पर एक अपना अलग मतलब निकलता है, लेकिन रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी हमको देखना चाहिए। देखिए, रेशियो का यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि हम अक्ष में वाई का भाग दे रहे हैं, रेशियो का मतलब ये है कि हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं, और तुलना से अपना संबंध आया है अक्ष रेशियो वाई। तो तुलना से, दो राशियों में तुलना से जो संबंध आएगा वही क्या कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा, यानी कि रेशियो कहलाएगा। चलिए अब हम इसका थोड़ा संख्यात्मक मान भी देख लेते हैं, रेशियो को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मान लीजिए बंता के पास में 10 रुपए हैं, बंता के पास में 10 रुपए हैं, और संता के पास में 5 रुपए हैं। आपको इन दोनों के बीच में रेशियो दर्शाना है, यानी कि बंता और संता के बीच में क्या दर्शाना है, रेशियो। तो किस तरह से दर्शाओगे, बंता की वैल्यू बंता के नीचे यानी कि 10, और संता की वैल्यू संता के नीचे यानी कि 5। अब मैंने बोला था कि अक्ष रेशियो वाई का वही मतलब है जो अक्ष बट्टे वाई का मतलब है, तो 10/5 भी इसको लिख सकते हैं, और बट्टा में संख्या को काटते भी हम समान संख्या से, तो 5 से काटेंगे तो मान क्या आएगा, 2/1 आएगा, यानी कि 2:1 आएगा। तो देखिए दोस्तों, रेशियो की आवश्यकता क्यों पड़ी थी वो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो अपना प्रश्न था, इसमें हमको पता चल रहा है कि बंता की जो वैल्यू है, बंता का जो धन है वो ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि बंता का धन क्या है, दुगुना है कि नहीं। तो ये इस बात का पता तो हमको रेशियो में पता चल रहा है कि बंता की वैल्यू दुगुनी है और ज्यादा भी असंता से। तो यानी कि बिना मेन प्रॉपर्टी के पता किए हम केवल रेशियो से भी इन चीजों का पता कर सकते हैं, तो रेशियो का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर यहां से आपको समझ नहीं आया तो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ कि रेशियो का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मान लीजिए कोई अंकल है, वो मरने वाले हैं, बहुत सारी उनकी संपत्ति है, उनके एक वकील हैं, मान लीजिए उस वकील का नाम है भंडारी। अंकल जी के दो पुत्र हैं, एक का नाम है पप्पू और एक का नाम है नरेंद्र। पप्पू थोड़ा भोला है, नरेंद्र थोड़ा समझदार है। अब देखिए दोस्तों, ये मरने वाला है अंकल और अपनी संपत्ति को इन दोनों बच्चों में डिवाइड करना चाहता है, हालांकि बराबर बराबर डिवाइड करना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये कहना चाहता है कि मैं अपनी संपत्ति को बराबर डिवाइड नहीं करना चाहता, मैं एक को ज्यादा और एक को कम देना चाहता हूँ, क्योंकि नरेंद्र समझदार है, इसको पता है धन को कैसे रखना है, प्रॉपर्टी को कैसे संभालना है, और पप्पू थोड़ा भोला है, इसलिए उसने वकील को बुलाया भंडारी को, और भंडारी से बोला कि मैं इन दोनों के बीच में संपत्ति को डिवाइड करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को पता है नहीं कुल कितनी संपत्ति है। तो भंडारी ने क्या बोला उसको, नरेंद्र ने बोला, उसने रेशियो समझाया भंडारी ने अंकल को, रेशियो समझाया तो अंकल को रेशियो समझ में आ गया। अंकल ने भंडारी के कान में बोला कि 3:7, तो भंडारी समझ गया कि 10 रुपए में से 3 रुपए तो पप्पू को देने और 7 रुपए नरेंद्र को देने। तो बिना प्रॉपर्टी के पता किए उस अंकल ने अपने दोनों बच्चों में प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन कर दिया, मात्र किसकी सहायता से, रेशियो की सहायता से। अब हम रेशियो के कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं, उन पॉइंट्स को समझे बिना आप रेशियो को अच्छी तरह से नहीं समझ पाओगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, देखिए रेशियो जो वो समान राशियों में होता है, समान राशियों से मतलब है मेरा कि वो चाहे रुपए रुपए हों, चाहे वो पैसे पैसे हों,
तो रेशियो जो वो समान राशि में होता है, यानी कि रुपए रुपए में आप रेशियो दर्शा सकते हो, पैसे पैसे में रेशियो दर्शा सकते हो, मीटर मीटर में दर्शा सकते हो। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, आप कभी भी रुपए और पैसे में रेशियो नहीं दर्शा सकते, आप मीटर और किलोमीटर में रेशियो नहीं दर्शा सकते, क्योंकि ये दोनों एक दोनों अलग यूनिट हैं, इनकी राशियां अलग हैं। तो या तो राशियों को सेम कीजिए, बराबर कीजिए, रुपए को पैसे में चेंज कीजिए, पैसे को रुपए में चेंज कीजिए, उसके बाद में आप रेशियो दर्शा सकते हैं, यानी कि समान राशियों में होना चाहिए रेशियो। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, दूसरा पॉइंट अपना ये है कि अगर आपको मान लीजिए एक रेशियो दिया गया कि 5:10, तो ये इसका मेन रेशियो नहीं है, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। तो 1:2 है ये इसका को प्राइम रेशियो कहलाता है, यानी कि इसके बाद में इसके और टुकड़े नहीं होंगे, इसके बाद में ये और किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसका क्या कहलाएगा, को प्राइम रेशियो। हिंदी में बोलेंगे तो मुख्य अनुपात कहलाएगा, या सहभाज्य अनुपात कहलाएगा, या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य अनुपात, यानी कि अब और किसी संख्या से ये नहीं कटेगा, डिवाइड नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो सहभाज्य अनुपात है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, अगर आपको कोई अनुपात दिया गया तो उसका सहभाज्य अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है, अगर आप उस मुख्य अनुपात या सहभाज्य अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा कीजिए या किसी भी संख्या से डिवाइड कीजिए। सपोज मैं मान लेता हूं मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 1:20 और रेशियो 2:20, तो ये जो 1:2 ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि अब वापस हम 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो वापस 1:2 आएगा। इसी तरह से आप किसी समान संख्या से डिवाइड करोगे तब भी ये इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। चलिए अब हम इसके तीसरे पॉइंट को समझ लेते हैं, तीसरा पॉइंट अपना क्या देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट अपना है इसका मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात यानी कि मिक्सड रेशियो, मिक्सड रेशियो, मिक्स रेशियो का मतलब क्या है दोस्तों, आपको 2-3 अनुपात दिए होंगे, आपको क्वेश्चन में 2-3, यहाँ से मिक्स रेशियो से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखें, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना हमको। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है कि ए अनुपात बी दिया है, सी अनुपात डी दिया है और ई अनुपात एफ दिया है, मैंने 3 अनुपात लिए और आपसे पूछा गया इसका मिक्स रेशियो निकालिए, इसका मिक्स रेशियो निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, तीनों अनुपातों में जो प्रथम पद है उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि a×c×e और रेशियो लगाइए, और जो द्वितीय पद है उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि b×d×f, तो अपना मान मिश्रित समान मिश्रित अनुपात का अपना मान आ जाएगा, मिक्स रेशियो का मान आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लीजिए हमको a अनुपात b दिया है 2:3 और c अनुपात d यानी c रेशियो d दिया है हमको 6:11 और e अनुपात है f हमको दिया है 9:13। अब हमको निकालना है मिक्स रेशियो, तो मिक्स रेशियो निकालने के लिए प्रथम पदों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2×6×9। अब हम क्या करेंगे, रेशियो लगाएंगे और द्वितीय पदों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मान निकाल लेंगे, तो जिससे कटेगा उसे काट देंगे और जो अपना मुख्य अनुपात है मुख्य मिश्रित अनुपात है वो निकाल लेंगे। तो 3 से काटेंगे तो 3×6 हो जाएगा, अभी ये किसी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि 11 और 13 अभाज्य संख्या है, तो 9×36 हो जाएंगे और 13 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, तो ये अपना मुख्य अनुपात या मुख्य मिश्रित अनुपात आ जाएगा। तो इसी तरह से आप चाहे कितने भी अनुपात आपको दिए हूँ, अगर आपको मिश्रित अनुपात या मिक्स रेशियो पूछे तो इसी तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसके चौथे पॉइंट की, चौथा पॉइंट अपना क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्युत्क्रमानुपाती यानी रेशियो, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या है दोस्तों, आपको कोई अनुपात क्वेश्चन में देगा एग्जाम में, इससे भी प्रश्न आते हैं दोस्तों, ध्यान में रखें, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि आपको ए अनुपात बी क्वेश्चन में देगा और इसे पूछेगा कि इसका इनवर्स रेशियो या व्युत्क्रमानुपाती निकालिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इनवर्स रेशियो निकालने के लिए आपको 1/b इन दोनों को लेके आना है, यानी कि 1/a 1/b। अब मैंने बताया था कि समान संख्या से अनुपात को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों को ए बी से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि ए बी अपॉन ए और ए बी अपॉन बी, तो अपना मान क्या आ जाएगा, ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो अपना मान आ जाएगा बी रेशियो ए, यानी कि ए रेशियो बी का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, बी रेशियो ए। तो आप समझ गए होंगे, तो अब आपका क्वेश्चन मिश्रित अनुपात और व्युत्क्रमानुपाती से गलत नहीं होगा। अब दोस्तों इसका पांचवा पॉइंट हम समझ लेते हैं, दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 675 है, इसको आपको 2:3 में
तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, अभी इसका बेसिक ही है दोस्तों, तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन जो अनुपातिक राशियां हैं इनको हम जोड़ेंगे। तो दो और तीन कितने हो गए, पांच। तो पांच का हम भाग देंगे, क्योंकि ये तो अपनी कुल राशि है, जो मेन राशि है वो कुल है, और ये अनुपातिक राशि। अब हमको दो दो वाली वैल्यू चाहिए, मान लीजिए ये अनुपात ए अनुपात बी है, तो ए की वैल्यू चाहिए तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे, और बी की वैल्यू चाहिए तो तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना मान यहाँ से आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या मान आता है, 5135 × 2, यानी कि अपना मान हो जाएगा 270। इसी तरह से आप यहां से भी निकाल सकते हो, तो 101 35 × 3, तो अपना मान आ जाएगा 504 405। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं समानुपात की, समानुपात क्या होता है। देखिए समानुपात का सीधा सा मतलब समझा देता हूं मैं आपको। अगर आपको कोई दो अनुपात दिए गए हैं कि ए अनुपात बी व सी अनुपात डी, अगर ये अनुपात बराबर है आपस में, यानी कि ए अनुपात बी, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी है, तो ये आपस में समानुपात में होंगे, यानी कि ये समानुपाती कहलाएंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। अब देखिए कोई भी दो चीजें समान होंगी, मैंने बोला ए रेशियो बी का मतलब होता है ए बट्टा बी, और बराबर का निशान लगा हुआ है, और सी रेशियो डी का मतलब होगा सी बट्टे डी। तो हमको पता है कि हम इनको तिरछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बराबर में बी को सी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए डी इंटू ए डी इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। तो रेश प्रोपोर्शन में अपना यही फंडा काम में लेना है हमको, कि ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो यहां पर देखिए ए बी इक्वल ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी है, तो हमको बराबर नहीं लिखना है यहाँ पर, हमको समानुपात निकालना है, तो हमें समानुपात का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये होता है दोस्तों, यानी कि ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी, इसका मतलब समानुपात है, और वैसे इसका मतलब क्या है, बराबर है। तो अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहां पर देखिए ए इंटू डी आ रहा था, तो हमको बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करने और अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई करने और बराबर कर देने, क्योंकि ए डी इक्वल्स टू बी सी आ रहा था, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी यहां से आ जाएगा। मेरी बात समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम प्रोपोर्शन के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम में इसे इसके बेसिक से पूछा जाता है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट है वो है मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती को ही हम वितत समानुपाती बोलते हैं, आजकल एग्जाम में वितत समानुपाती बहुत ज्यादा दिया होता है, मध्य समानुपाती कम लिखा होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। और इसी को हम बोलते हैं मिडल प्रोपोर्शनल, इसी का दूसरा नाम क्या है, मिडल प्रोपोर्शनल, जो इंग्लिश में लिखा जाता है। अब एग्जाम में आपको इसे क्वेश्चन किस तरह से देगा, आपको ये कहेगा कि ए और बी का मध्य अनुपाती या मध्य समानुपाती निकालिए, ए और बी का मध्य समानुपाती या वितत समानुपाती निकालिए, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देगा। आपको निकालना किस तरह से देख लीजिए, ए और बी का मध्य समानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए रेशियो बी, मध्य समानुपाती को आप अक्ष मान लीजिए, ये मध्य समानुपाती है, तो ए रेशियो अक्ष और समानुपात लगा देना, प्रोपोर्शन का निशान लगा देना, उसके बाद में अक्ष रेशियो बी, तो इस तरह से हम मध्य समानुपाती निकालेंगे। अब बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वालों को आपस में, तो अक्ष को अक्ष से मल्टीप्लाई करेंगे और ए इंटू बी करेंगे, तो हमको यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये अक्ष स्क्वायर हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा, तो अक्ष की वैल्यू अपनी क्या आएगी, ए बी का रूट आ जाएगा, दोनों तरफ रूट लगा देंगे रूट आ जाएगा, अक्ष की वैल्यू यहाँ से मध्य समानुपाती की डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसका है तृतीय अनुपाति, तृतीय समानुपाति, तृतीय अनुपाति बोल दीजिए, तृतीय समानुपाति, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से देगा दोस्तों, कि मान लीजिए आपको ये कहेगा कि ए और बी का तृतीय अनुपाति निकालिए, ए और बी का तृतीय अनुपाति निकालिए, तो आप तृतीय अनुपाति या तृतीय समानुपाति किस तरह से निकालोगे, आपको करना क्या है दोस्तों, आपको इस तरह से लिखना है कि ए रेशियो बी, और फिर प्रोपोर्शन का चिन्ह लगाना, और बी रेशियो अक्ष मान लेना है किसको, तृतीय अनुपाति को, तो एक्चुअली में तृतीय अनुपाति इसका चतुर्थानुपाति होगा, ध्यान रखें तृतीय अनुपाति इसका क्या होगा, चतुर्थानुपाति होगा। अब बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और अंदर वालों को आपस में, यानी कि ए इंटू अक्ष इक्वल्स टू बी इंटू बी, या यूं कहें कि अक्ष की वैल्यू क्या आएगी, बी इंटू बी अपॉन ए, यहां से अक्ष की वैल्यू यानी कि तृतीय अनुपाति की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट, अगला पॉइंट है अपना
चतुर्थानुपाती या चतुर्थानुपाती या चतुर्थी समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल या चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा, आपको तीन मान देगा कि ए बी व सी का चतुर्थानुपाती निकालिए। तो अगर आपको मध्यान समानुपाती या तृतीय समानुपाती समझ में आ गया तो ये तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चतुर्थ समानुपाती निकालिए, चतुर्थानुपाती निकालिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो आपको करना क्या है, ए रेशियो बी लिखना है, फिर प्रोपोर्शन सी रेशियो अक्स मान लेना है चतुर्थानुपाती को। इसका जो चौथा पद होगा वो क्या होगा, चतुर्थानुपाती होगा या चतुर्थ समानुपाती होगा। तो बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और अंदर वालों को आपस में, यानी कि ए इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू सी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इंटू सी अपॉन ए को नीचे लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा ए, यानी बी इंटू सी अपॉन ए। अब हम इसके चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो इसी तरह से प्रथम समानुपाती भी निकाल सकते हैं, प्रथम समानुपाती यानी कि पहला पद। तो तीन पद आपको देगा और आपसे पूछेगा प्रथम समानुपाती बताइए, इस तरह से कि ए बी व सी का प्रथम समानुपाती बताइए। तो प्रथम या फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा अपना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आपको अक्ष मान लेना है, तो अक्ष रेशियो ए और प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटू बी अपॉन सी। चलिए एक एक क्वेश्चन चारों का हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य समानुपाती के क्वेश्चन की। तो हम क्वेश्चन लेते हैं कि 6 और 8 का मध्य समानुपाती निकालिए, 6 और 8 का मध्य समानुपाती निकालिए, ये हमसे पूछा गया मध्य समानुपाती। तो देखिए क्या होगा, आपको मध्य समानुपाती को अक्ष मानना है और क्या करना है, 6 रेशियो अक्स प्रोपोर्शन अक्स रेशियो 8। तो यहां से बाहर वालों को आपस में, अंदर वालों को आपस में, क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 8 आ जाएगा। और अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट करेंगे तो अक्स की वैल्यू आ जाएगी 48 का रूट। 48 के रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हैं, तो अपना माना जाएगा 4√3। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि तृतीयानुपाती का क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा यही, इसमें कहा जाएगी 6 और 8 का तृतीयानुपाती बताइए, 6 और 8 का तृतीयानुपाती बताइए। तो तृतीयानुपाती किस तरह से निकालेंगे, तृतीय समानुपाती तो किस तरह से निकालेंगे, अक्ष को मान लीजिए तृतीयानुपाती, तो अपना हम क्या लिखेंगे, 6 रेशियो 8 प्रोपोर्शन 8 रेशियो अक्ष, यानी कि एक्चुअल में तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थानुपाती। और 8 को हम दो बार लिखेंगे प्रोपोर्शन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। अब बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स इंटू 6 आएगा, अंदर वालों को 8 इंटू 8 आ जाएगा, तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 8 अपॉन 6 आ जाएगी। यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हो आप, अब हम 2 से काटेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 और बट्टे 3 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस तरह से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से हम चतुर्थानुपाती या चतुर्थ समानुपाती का प्रश्न लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो 6, 8 और 11 का चतुर्थानुपाती बताइए, ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो हमको क्या करना क्या है, चतुर्थानुपाती को अक्ष मान लेना है और 6 रेशियो 8 प्रोपोर्शन 11 रेशियो अक्ष। तो इस तरह से यहाँ से बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो एक्स इंटू 6 इक्वल्स टू 8 इंटू 11 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 इंटू 11 अपॉन 6, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 44/3। तो इस तरह से आप मान निकाल सकते हो चतुर्थानुपाती का। इसी तरह से आप प्रथम समानुपाती का कोई क्वेश्चन लेके उसमें उसका मान भी निकाल सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।